हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो फार्मूले के बारे में है ना, उसका जो प्रतिलोम फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। उसमें जैसे हमने कुछ फार्मूले हमने कल देखे थे, साइन इनवर्स एक्स धन कॉस इनवर्स साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट अपॉन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे फार्मूले हम देखे थे। ठीक है, चलिए कुछ फार्मूला और। जैसे हमने क्या पढ़े, टेक के लिए हमने साइन संबंधी पढ़ लिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड सेकंड इसीलिए हो गया, चलो यहाँ प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा आपका। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, है ना। इसका हम पढ़े थे क्या, cos इनवर्स x y, है ना, प्लस रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, ऐसा था। अगर मान लिया तो प्लस लेते हैं, माइनस होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये माइनस हो जाएगा। और अगर माइनस लेते हैं हो जाएगा आपका प्लस। जैसे आप पढ़े हो cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होता है, वही हम किए यहाँ पर। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे प्लस है तो माइनस होगा, माइनस तो प्लस ही हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना। अब वैसे ही आपका टेन के लिए हम कल पढ़े थे, है ना, पार्ट के लिए भी फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये फार्मूले पूरे आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। उसमें आप कुछ फार्मूला है जिसको, जैसे मान लो आपका cos थीटा tan थीटा, है ना, आपका tan थीटा cos थीटा sin थ्री थीटा, इस फार्मूले के बारे में देखते हैं। ठीक है जी, तो जैसे आप देखते हैं टेन के लिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। एंड नेक्स्ट इसी में फार्मूला है आपका टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स x minus y upon 1 plus x y। जैसे आपने फार्मूला अपने tan alpha plus beta सेम टू सेम फार्मूला है आपका। ओके, ठीक है जी, वैसे ही आपका ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे, है ना। ठीक है जी, वैसे और ये आपका पार्ट के लिए भी ले सकते हैं। तो पार्ट के लिए क्या होता है, cot inverse x plus cot inverse y, तो इसका क्या होता है आपका x इसी होता है, जस्ट उल्टा होगा आपका, x y plus 1 upon x plus y, है ना। That means tan inverse हो जाएगा यहाँ पर x y plus 1 upon x minus y होता है आपका, है ना। वैसे cot के लिए होता है, cot के लिए होता है आपका cot inverse x minus cot inverse y equals to cot inverse हो जाएगा क्या, x y minus 1 divided by y minus x, ये होता है आपका। ये फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। अब उसमें साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, है ना, ये सभी फार्मूले आपको क्लियर होना चाहिए। इसको कैसे करेंगे देखिए, चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, इसको मैंने कल प्रूफ करके बताया था आप लोगों को, है ना। इसको इसलिए एक प्रूफ किया हूं, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इसके थ्रू, है ना। अब जैसे मान लो हमारे पास है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा मींस 2 sin थीटा * cos थीटा, ये आप पढ़े हो। cos 2 थीटा मींस cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 और होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये हम पूरे आपको कंडीशन होना चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं इसमें आपका और कंडीशन कौन सा है। जैसे इसी को लेते हैं sin थीटा को, क्या 2 sin इनवर्स x इस मांगे रहेगा, है ना। देखो हम इसी का फार्मूला लेके बनाएंगे, तो 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू होता है sin इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये फार्मूला होगा आपका। अब ये कैसा बना देखो, मैं इसको प्रूव करके बता रहा हूं, है ना। चलिए मान लेते हैं यहां पर sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ठीक। अब यहां पर हो जाएगा x इज इक्वल टू sin थीटा हो जाएगा, x बराबर sin थीटा हो जाएगा, पक्षांतर दिया हमने। अब चलिए हम जानते हैं sin 2 थीटा का फार्मूला लगाइए, तो sin 2 थीटा का
फार्मूला sin थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा * cos थीटा। अब हम जानते हैं sin थीटा का मान x है, इसी को लिख सकते हैं sin 2 थीटा = 2 sin थीटा वर्गमूल, इसको cos को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस है, इसको थीटा लिख सकते हैं। अब ये बन जाएगा sin 2 थीटा = 2, sin थीटा की वैल्यू क्या है x, अंडर रूट ऑफ sin थीटा का मान यहां पर फिर से x, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर हो गया। अब sin को उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा 2 थीटा sin इनवर्स हो जाएगा आपका 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये हो गया आपका ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहां देखिए 2 थीटा की वैल्यू फिर से रख दो sin इनवर्स x, ये हो गया आपका 2 sin इनवर्स x = 2, ये बन गया आपका sin इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपको हो गया। तो कहां से फार्मूला जो हम 11वीं क्लास में पढ़े हैं वही फार्मूले का यूज करके बना है, बस उसका विलोम पर नहीं विलोम रूप है आपका ठीक है। अगर मान लो याद नहीं है ये तो आप इसके माध्यम से भी आप इस तरह से बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हो ठीक है जी। ये हो गया आपका, वैसे हम लेते हैं cos थीटा ले लेंगे ठीक है। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर देखो दूसरा नंबर, ये हो गया आपका फर्स्ट cos थीटा मीन्स जैसे होता है 2 cos inverse x is equals to, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक हो गया आपका cos inverse 2x square minus 1 ओके, या तो किसी को लिख सकते हैं क्या और क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे sin के लिए लिख सकते हैं, sin के लिए भी लिखा जा सकता है आपका ठीक है। तो चलिए मैं इसको मैं प्रूव करके बता रहा हूँ। चलो मान लेते हैं यहाँ पर cos inverse x is equal to theta, ये है आपका अब cos inverse x is equal to theta ठीक है जी। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए x is equal to cos theta हो गया, अब यहाँ पर रखते हैं cos 2 theta, तो cos 2 theta क्या हो जाएगा आपका cos 2 theta is equal to, क्योंकि हम जानते हैं cos 2 theta बराबर होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है आपका। सिंपल क्या करोगे इसको आप, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2, cos थीटा का मान कितना दिया है x स्क्वायर माइनस 1, बहुत ही सरल है देखिए, तो 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब 2 थीटा का मान क्या है फिर से रख दो, क्या दिया है आपका cos इनवर्स x दिया हुआ है, cos इनवर्स हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से हम बनाएंगे, कौन है जो हमने ये वाला क्लास में फार्मूले पढ़े, और इसी के माध्यम से साइन का भी हम बना सकते हैं ठीक है जी। इसके माध्यम से हम साइन का भी कर सकते हैं, किस तरह से होगा देखो बता रहा हूं। चलिए इसी को मैं इस फॉर्म में लेकर जाता हूं देखो, चलिए यहां पर जो लिए इसको मैं ले रहा हूं, चलो cos 2 थीटा इज इक्वल टू इसको लेता हूं 1 माइनस 2 sin x पर ये ले सकता हूं इसको इस तरह से। अब 1 माइनस 2 sin x पर थीटा अपने पास cos का दिया है, तो 1 माइनस 2 sin x पर क्या लिख सकता हूं 1 माइनस cos x पर थीटा, ऐसा तो लिख सकता हूं ना भाई, ये हो गया। अब ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 2 cos का मान कितना दिया हुआ है आपका x, ये हो गया 1 माइनस x स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 2 ठीक है माइनस 2x स्क्वायर प्लस हो गया आपका, अब यहाँ से 2 कट जाएगा तो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ठीक है जी। तो देखो दोनों लगभग वही चाहे आया, तो चाहे इसको भी लेकर चलो इसको भी लेकर चलो है ना, वही फार्मूला आपको बनेगा क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप ले सकते हैं, वही आया देखो जैसे आया वैसे ठीक, ये हो गया आपका cos इनवर्स ठीक है जी क्लियर हुआ, ये हो गया। वैसे हम लेंगे sin 3 थीटा का फार्मूला, तो sin 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है अभी हमने पढ़े, इसका पढ़िए सेकंड नंबर आपका ये फर्स्ट नंबर 2 sin inverse x = sin inverse 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x इसको ले हम पढ़े ठीक है। अब इसी से संबंधित और सेकंड थीटा का ले लेते हैं, तो क्या होता है आपका 2 tan inverse जो भी नंबर होगा 2 tan inverse कर लेते हैं ठीक है। अब 2 tan inverse का एक होता है आपका tan, 3 फॉर्म में होता है, 3 फॉर्म में होता है, cos के लिए होता है, एक tan के लिए होता है, एक sin के लिए होता है ना, तो
टेन इनवर्स हो जाएगा। इसको हम भी प्रूफ किए थे 11 क्लास में, सीधा सीधा प्रूफ किए थे। कौन से क्वेश्चन में? 10 टू थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 टू थीटा, 1 माइनस 10 इज टू थीटा, ये हम पढ़े थे। तो उसी के माध्यम से हम लेंगे tan टू थीटा का ना, ऐसा होता है। तो ये चीज आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं, हम इसको चलिए विलोम फॉर्म में
तीसरा दूसरा तीसरा चौथा हो गया ना, ठीक है ठीक है। इसमें हो गया आपका 3 sin inverse x, ऐसा होगा। इसको लिखेंगे sin inverse 3x minus 4x power 3, ऐसा होगा। अब इसको प्रूफ के लिए तो आइडिया आप आपका प्रूफ कर सकते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, माना sin inverse x equal to theta लिया तो ये बन जाएगा आपका x equal to sin theta बन जाएगा आपका, है ना। अब हम फाइनली इसमें प्रूफ कर देते हैं क्या होता है। देखो sin 3 theta is equal to, यहां पर पुट करूंगा तो 3 sin theta minus 4 sin theta, ये आप पढ़े हो, है ना। अब 3 sin theta का मान कितना है, x minus 4x power 3, देखो कितना सरल है, ये हो गया आपका sin 3 theta, ठीक है जी। अब 3 theta is equal to 2, ये sin को पक्षांतर कर दूंगा तो ये हो जाएगा sin inverse फॉर्म में होगा 3x माइनस 4x पावर 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3x का मान कितना है, थीटा का मान 10 और साइन इनवर्स हो गया तो साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3, ये प्रूफ हो गया हो गया। अब इस तरह से कॉस का भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है जी। वैसे ही आपका टेन के लिए भी होता है, ठीक है। ठीक है, ये आप फॉर्मूले आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके लिए आपका लेते हैं कौन सा, टेन के लिए टेन थीटा का फॉर्मूला। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, जैसे सिंपल आप इलेवन क्लास में पढ़े क्या होता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आप पढ़े उसी में जस्ट अपोजिट फॉर्म पढ़ रहे हैं तो होगा। इसको लिख सकते हैं हम क्या, देखिए फोर नंबर फोर फाइव नंबर है ना, क्या थ्री टेन इनवर्स एस इज इक्वल टू, है ना। इसका बनता है टेन इनवर्स हो जाएगा आपका थ्री एक्स माइनस एक्स पावर थ्री अपॉन वन माइनस एक्स की पावर थ्री, इसको भी आप बना सकते हो चाहे तो, इस बार को इनपुट कर देगा आराम से जाएगा तो बहुत ही सरल है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब इसके साथ यदि मान लो तीन पद दिए तो कैसे करेंगे, अधिकतर वैसे क्वेश्चन नहीं आते, है ना। देखो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ऐसा ठीक है। इसको दो पद में बना सकते हैं, क्या दिक्कत, तीन पद दिए है ना, उसको दो पद में हम सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट 3 को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बनना ही बनाओगे याद नहीं रहेगा कुछ चीजें, पर बता देता हूं आपको। tan इनवर्स होता है आपका x plus y plus z minus xyz upon, ये हो जाएगा आपका 1 minus xy minus yz minus xz, ये फार्मूला होता है आपका। इसी के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल इसी का हम लिख सकते हैं कैसा, जैसे tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसा है चलो, ये हो जाएगा आपका ठीक है जी, अल्फा प्लस जो भी ले रहा है ना प्लस लैम्डा, है ना। तो क्या बन जाएगा, इसका होता है आपका टेन अल्फा प्लस टेन बीटा प्लस टेन लैम्डा माइनस टेन अल्फा टेन बीटा टेन लैम्डा बटे हो जाएगा आपका वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा माइनस टेन बीटा इंटू टेन लैम्डा माइनस टेन अल्फा इंटू टेन लैम्डा, ठीक। इस तरह से फॉर्मूला होता है इसका, तो इसी में रखिए आराम से जाए, ठीक है। तो क्लियर है, ये हो गया आपका टोटल फॉर्मूला हमने पढ़ लिए। अब इसी से संबंधित हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो जब तक जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे आपको फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और याद रखना है जितने भी फार्मूला पढ़ो आप, जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे आप और कलर पढ़ोगे तो भी ये आपका आएगा आपका, ठीक है। इसलिए आपको अभी से अच्छे से याद कर लेंगे तो पूरे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन वहाँ पर अवकलन करने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका अवकलन का भी कमांड अच्छा रहेगा, साथों साथ ये त्रिकोणमिति भी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली में क्या कहते हैं, चलिए देखिए, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, है ना, ऐसा दिया है प्रश्नावली दो में, है ना।
टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 बाय 7 सेंट करने के लिए है ना। चलिए अब इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमको बुक करना है, ठीक है, सीधा करना है, तो टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2 ऐसा है, ठीक है। अब इसको हमको बनाना है, तो कैसे करेंगे देखिए, सिंपल फार्मूला, बिकॉज कोसा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू होता है आपका टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले को हम बनाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर रख देते हैं तो क्या बनेगा देखिए, टेन इनवर्स सेम टू सेम वैसी क्या होगा, थ्री माइनस टू अपॉन थ्री इंटू वन माइनस थ्री इंटू टू हो जाएगा, टेन इनवर्स तीन में दोगे कितना बचेगा एक, और ये होगा सॉरी प्लस रहेगा यहाँ पर है ना, ठीक है, ये प्लस रहेगा सॉरी थ्री, ठीक जी। हाँ नेक्स्ट हो जाएगा वन प्लस सिक्स हो गया आपका, फिर बन जाएगा आपका टेन इनवर्स वन बाय सेवन। तो बहुत ही सरल है देखो ये फॉर्मूले के माध्यम से, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, ठीक है जी, आप सॉल्व करेंगे। वैसे ही हम देखते हैं आगे आपका दूसरा या तीसरा नंबर में देखो कुछ डिफरेंट टाइप का दिया है, थर्ड नंबर देखते हैं देखो है ना। थर्ड नंबर में क्या है आपका, टू टेन इनवर्स लिखा है आपका वन बाय फोर वन है, तो हमको प्रूव करना है टेन इनवर्स आठ बटे पंद्रह सोलह है, बहुत ही सरल है क्या होगा। चलिए इसका भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है टू टेन इनवर्स वन बाय फोर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको देखो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूले के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। हाँ ठीक ये हो गया, अब चलिए इसी के माध्यम से सॉल्व करेंगे, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स का। अब इसको सॉल्व करें तो इसके माध्यम से क्या हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स ये होगा 2x मींस 2 into 1 by 4 upon 1 minus x square means 1 by 16, ओके okay? यह गुणा करेंगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 कट गया, ठीक है, तो हो गया ऊपर ये बच गया 1 by 2 और नीचे बच गया आपका 15 बटे 16, 16 कम 16 में क्या 15, ठीक है जी। अभी हो गया 10 इनवर्स हो जाएगा, इसको पलटी करेंगे आप जानते हो हायर सेकेंडरी बच्चे, आप लोग दो एक तो दो अट्ठे सोलह या आठ ऊपर चला जाएगा तो जाएगा आठ बटी पंद्रह, ये हमारा प्रूफ हो गया, इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ये हो गया। तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है जी। जैसे आप देखते 12 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है।
इसी को लेंगे तो cos inverse 12 चौक हो गया 48, 13 पंचे 65, ठीक है जी, 13 पंचे 65, फिर ये हो जाएगा 25, 16 हो गया, 25 में 16 जाएगा 9 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5, मतलब यहाँ पर क्या आ गया 3/5 हो गया आपका, कितना है 3/5 मिल गया आपको, देखो 169 होगा, तो 169 में 3 × 144 कितना आएगा आपका 25 है ना, तो 25 तो हो गया 5 और ये हो गया आपका 13 का, 13 का वर्गमूल हो गया 13 हो गया, इतनी जी ये क्लियर हो गया आपका। अब इसको चलिए आगे सॉल्व करेंगे, तो क्या होता है cos inverse हो जाएगा 48/65 है ना, और 13 5 × 15 हो जाएगा 65, ठीक है जी। अब 48 × 15 बढ़ा दीजिए कितना बचेगा आपका 8 = 33 है ना, ये हो गया आपका cos inverse हो जाएगा 33/65, ठीक है हो गया, इतना मतलब मेरे को, हाँ ठीक है भाई, प्रूव करना था मेरे को cos inverse 33/65, इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ही सरल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको आप बनाएंगे आप, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही, कुछ क्वेश्चन बहुत छूटा है उसको आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, थैंक यू।